नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी इज इक्वल्स टू 6, एबी इज इक्वल्स टू 5, एंगल एबीसी इज 60 डिग्री. देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल. कितनी साइड्स की है? 3/4. न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ट्रायंगल कहां बनेगी? इनसाइड द गिवन ट्रायंगल. अब हमें साइड दी है ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए. सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. एंगल एबीसी, बी पे एंगल दिया है 60 डिग्री. कितने भी रेडियस की कंपास ओपन की, बी पे रख के एक आर्क लगाई, उतना ही रेडियस ओपन के साथ एक और आर्क लगाई, तो ये एंगल हमारा बनेगा 60 डिग्री. क्लियर? कैसे बनाया? सबसे पहले हमने बीसी लाइन सेगमेंट लिया 6 सेंटीमीटर. कितने भी रेडियस का कंपास ओपन की, बी पे रखा, आर्क लगाई, उतना ही रेडियस होने के बाद इस आर्क के पॉइंट से एक और आर्क लगाई, एंगल होगा 60 डिग्री. अब हमें एबी दी है 5 सेंटीमीटर. रेडियस ओपन करेंगे कंपास का, बी पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और उसे नाम देंगे ए. फिर हमने ए और सी को ज्वाइन कर दिया. ए बी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर. क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ एंगल एबीसी 60 डिग्री विद बी एस सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ड्रॉ एंड आर्क बी ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ज्वाइन ए बी एंड ए सी. देयरफॉर ए बी सी इज गिवन ट्राइंगल. तो हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन थी वो आ गई. अब हमारे पास इनसाइड बनेगा. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? कि हम इस पॉइंट पे एक्यूट एंगल बनाते हैं. सो ड्रॉ एन एक्यूट एंगल. कितना भी बना सकते हो आप, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री से एट पॉइंट बी एक्यूट एंगल बनाएंगे. अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4. तो 4 आर्क्स लगाएंगे विद एनी रेडियस. ड्रॉ 4 इक्वल आर्क्स एज बी बी वन, बी वन बी टू, बी टू बी थ्री इज इक्वल्स टू बी थ्री बी फोर. किसी भी रेडियस का कंपास ओपन किया, बी पे रखा एक आर्क, बी वन पे रखा सेकेंड आर्क, बी टू पे रखा थर्ड आर्क, बी थ्री पे रखा फोर आर्क. ये हो गया. अब हमारे पास ट्रायंगल इनसाइड बनेगी, तो हम लास्ट आर्क को एंड पॉइंट से मिलाएंगे, जो लाइन सेगमेंट है बी सी. मिला दिया. कोई भी रेडियस ओपन करके कंपास का, बी फोर पे रख के एक आर्क लगाई जो यहां पे कट हो रही है, उतना ही रेडियस ओपन करके थ्री पे रख के, बी थ्री पे रख के आर्क लगाएंगे और फिर इस आर्क के पॉइंट से एक और आर्क, और ये हमारे पैरेलल लाइन आनी चाहिए बी फोर सी के. इसे हमने नाम दे दिया सी डैश. उतना ही रेडियस ओपन रख के सी डैश पे एक आर्क लगाई और आर्क के इस पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क लगाई और ये हमने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये ए है, इसे नाम दे दिया ए डैश. तो ए डैश बी सी हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल. क्या यहां तक लिखा था हमने? नेक्स्ट लिखेंगे ज्वाइन बी फोर सी. ज्वाइन बी फोर सी. ड्रॉ बी थ्री सी डैश पैरेलल टू बी फोर सी एंड ए डैश सी डैश
parallel to AC. Therefore, A dash, B, C dash is required triangle. अब हमें इसकी justification भी देनी है. Justification करेंगे. Triangle ABC और triangle A dash B C dash similar triangles होंगी. Corresponding sides की ratio equal होगी. A dash B upon AB, B C dash upon BC, A dash C dash upon AC. अब जो B C dash है किसके equal है? B C dash upon BC. B C dash is B B 3. BC is BB4, 3 by 4. Therefore, A dash B upon AB, BC dash upon BC, A dash C dash upon AC is equals to 3 by 4. Means, जो ये sides है, ये 3 by 4 of जो ये given triangle की side है, उसके equal होंगी. दोबारा से एक बार देख रहे हैं. सबसे पहले हमने BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर. B पे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया. कितना भी रेडियस कंपास का ओपन करके B पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगाई. फिर इस पॉइंट से जहां पे आर्क इस लाइन को कट कर रही है वहां से उतने ही रेडियस ओपन के साथ दूसरी आर्क लगाई. ये एंगल हमारे पास होगा 60 डिग्री. फिर हमने 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया, V पॉइंट पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जो इस लाइन को A पॉइंट पे कट कर रही है. तो A, B और AC को ज्वाइन कर दिया. ये हमारे पास गिवन ट्रायंगल आ गई. क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो जो दूसरी ट्रायंगल बनेगी सिमिलर वो इनसाइड दिस ट्रायंगल बनेगी. B पे एक्यूट एंगल ड्रॉ किया हमने 60 डिग्री. उसके बाद कितना भी रेडियस ओपन करके B पे रख के आर्क लगाई B1, उतना ही रेडियस से B1 से B2 आर्क लगाई, B2 से B3, B3 से B4. इनसाइड बनेगा इसलिए लास्ट पॉइंट को C से मिला दिया, B4 को. ये लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है 3 पे रख के, B3 पे आर्क लगाई और B4 C के पैरेलल लाइन ड्रॉ की. उतना ही रेडियस ओपन के साथ C डैश पे आर्क लगाई और A dash C dash लाइन ड्रॉ की जो कि AC के पैरेलल है. तो A dash B C dash हमारे पास जो ट्रायंगल हमें चाहिए वो आ जाएगी.